और हिस्ट्री इसकी इतनी खतरनाक रही है ना कि मतलब दिल्ली का इसे इतना ज़्यादा हॉन्टेड एरिया बोला जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि कोई सफ़ेद साड़ी में पीछे भागती है। ओए, पीछे कौन है वो? वो भाई साहब कौन है वो? भाई साहब देखो 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 भाई साहब, पेड़ के पास कौन है वो? पेड़ के पास कौन है वो? गाइस आज हम आए थे दिल्ली वॉर सेमेट्री और कोई नहीं तो यहाँ पर हम लोग आए, ये पीछे वॉर सेमेट्री बनी हुई है प्रॉपर और इसको जो हॉन्टेड रोड है वो आपको पूरा बताएंगे हम लोग कि कैसे ये हॉन्टेड है और क्यों इसे हॉन्टेड कहा जाता है। भाई कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ये तो होता है यहाँ पे। तो अभी ना ये है दिल्ली वॉर सेमेट्री, इसके अंदर थोड़ा सा चल के देखते हैं बिकॉज ये बंद हो जाता है तो अलाउड नहीं जाना, बट फिर भी हम लोग चल के अंदर देखते हैं और उसके बाद उस रोड पर लेके चलेंगे आपको जो कि माना जाता है बहुत हॉन्टेड है। और मस्त चीज़ ये होगी देखने वाले कि अभी तक भाई जितनी वीडियो देखी होंगी आप लोगों ने, सब ने अपनी गाड़ियों में देखा हो, सब बंदे गाड़ियों में आते हैं राइट। तो अभी तक जितनी अपने दिल्ली कैंट की वीडियो देखी होंगी मोस्टली ये देखा होगा कि लोग गाड़ी में जाते हैं अपने, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग अपनी स्कूटी बाइक से चलेंगे और जितना भी हो सके पैदल चल के भी देखेंगे, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया बट लोग हम लोग करेंगे लोग। सो चलो पहले सेमेट्री के अंदर चलते हैं थोड़ा सा। गाइस यहाँ से हम लोग अंदर चलने वाले हैं, अलाउड नहीं बट जितना अंदर जाना होगा उतना जाकर हम देखेंगे। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सच में यार अंदर, फर्स्ट टाइम नहीं। गाइस देख सकते हो अंदर प्रॉपर कवर है और जाना बिल्कुल भी मना है, बट जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत अंदर जाते हैं। सो गाइस देखो अंदर कवर ही कवर है और हमें नहीं लगता अंदर जाना चाहिए हम लोगों को। आ रही ना भाई नेगेटिव वाइब्स, क्या करें चले अंदर या नहीं? अंदर अलाउ भी नहीं, तो देखो डर की बात नहीं है पर अंदर शमशान घाट है तो जाके अलाउड नहीं है, फॉलो करनी चाहिए बिल्कुल, क्या करें फिर। चलो गाइस तो हम लोग भी चलने वाले हैं उसी रोड पर जो कि हॉन्टेड मानी जाती है बिल्कुल, चलो। सो गाइस देख सकते हो ये रोड पूरा सुनसान है जिधर की तरफ हमें जाना है, और ये है दिल्ली वॉर सेमेट्री एंड ये रोड भी सुनसान। चलें, चलो ऑलरेडी लेट्स गो, चलो चलते हैं गाइस। और इस रोड पर जाना हमें जो कि हॉन्टेड रोड मानी जाती है और हम लोग पैदल चलेंगे, इस पर पैदल भी चलेंगे स्कूटी पर भी चलेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। आराम से आराम से आराम से रोक, हाँ आंधे से आ जाओ भाई। तो चलो हाँ आराम आराम से चलना है। सो गाइस यहाँ से अपनी हो चुकी है सवारी स्टार्ट। देखो ये रोड वो स्टार्ट हो चुकी है और हॉन्टेड चीज़ ये है डरने वाली, अगर कोई खड़ा है कि यहाँ पर ना आपको ज़्यादा लाइट नहीं मिलेगी, पहली चीज़ तो लाइट नहीं यहाँ पे और दूसरी बात बंदे नहीं यहाँ पे, और ये चारों तरफ ये है जंगल। चलो धीरे धीरे चलो भाई साहब, शिट रोक 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 भाई, पूछा लगा पीछे मीट पड़ा था कुत्ते हैं। हाँ चल 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 चल, आराम आराम से चलना है तरुण, आराम आराम चल भाई चलो। तो गाइस ये है रोड जो कि हमारे पीछे हॉन्टेड माना जाता है, हमारे पीछे रहो। आ जाओ आ जाओ, देख सकते हो दूर दूर तक यहाँ पर आपको कोई भी नहीं दिखेगा, चारों तरफ जंगल और बीच में कोई एक परिंदा पर मार दिया। सो गाइस देखो ये वो रोड है जो कि हॉन्टेड है और जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे वो अपनी गाड़ी से आते हैं, बट हम लोग स्कूटी से आ रहे हैं और पैदल यहाँ पे उतर के हम आगे चलने वाले हैं। so गाइस कहाँ है गाँव आता है, चल चल रास्ते में वापस मुड़ना है क्योंकि रास्ते आगे का कोई रास्ता नहीं है। रोक ले, एक मिनट रोको, यहीं रोको, यहीं रोको, यहीं रोको। अरे यहाँ से पहले निकलो। कहते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा है जो हमारे पीछे भागते गाड़ी के। तो देखो ये तो एक अंधविश्वास है तरुण। क्यों बुरा कहते हैं लोग, बुरा कुछ नहीं होगा है ना। अब लोग कहते हैं कि तुम भाई स्कूटी से इसलिए नहीं भागी, भाई वो के देख के भागेगी क्या कि गाड़ी से होंगे स्कूटी से होंगे तो भागेगी भाई, जिसको भागना हो तो पीछे हर किसी के भागेगी, पैदल के भागेगी। अब यहाँ से क्या है, हम लोग इधर आ चुके हैं, अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस, ठीक है। अब एक चैलेंज हम अपने आप से ले रहे हैं, तरुण और मैं आएंगे इस बार, ये दोनों वहीं रुकेंगे और अकेले हम लोग यहाँ से पैदल चल के आएंगे और पैदल ही हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, जो कि हम इस रोड पे प्रॉपर पैदल जाएंगे तरुण और मैं, और यहीं से हम वापस आएंगे फिर, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है। सो गाइस देखो यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस, देखता चलना, कुछ दिखे तो मुझे गाइस प्लीज़ बता देना आप लोग। ये चारों तरफ जंगल है और इधर से चलने वाले हम अपने वापस, पीछे आ रहा है अपने भाई। चलो धीरे धीरे चलते हैं अपना। ये देखो सारा गाइस पूरा जंगल है। हाँ पहले कुछ भी नहीं था, अब सारी बाउंड्री हो गई यहाँ पे। और ये देख सकते हो, ये देखो ये बना रखा है, प्रॉपर जंगल है। इधर की साइड भी, तो इधर की साइड हम नहीं जाएंगे, इधर की साइड भी अपना जंगल। ये जो रोड है इसे लोग बोलते हैं हॉन्टेड है। तो चलो देखते हैं, अगर कुछ दिखे तो प्लीज़ बता देना आप लोग हमें। तो भाई प्रदीप जी भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से पैदल, ठीक है। तरुण चलने के तैयार है, कोई दिक्कत? रंजीत देख यहाँ से मैं निकल रहे हैं पैदल, तुम दोनों यहीं रुक जाओगे, 5-10 मिनट रुक जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का आ रहे हैं हम 10 मिनट में, ठीक है। और देखो गाइस पूरा जंगल है यहाँ पे, कोई नहीं दिखा भाई, स्कूटी ऐसा लग रहा है गिरी हुई है, ठीक है। चल भाई चलते हैं, हम लोग चलने वाले पैदल और देखते हैं क्या है इस जगह का राज। कुछ लगा उन ट्विटर पर ऐसा यहाँ पे कुछ अभी तक तो नहीं। देखो पता है डर किस चीज़ का होता है, बस डर होता है पुलिस वालों का, चोरू चक्कों का, बस और कुछ नहीं होता। बाकी देखो हम लोग चलने वाले पैदल, लोग यहाँ से गाड़ी में जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी। तरुण कभी यूट्यूब पे देखा तूने? बिल्कुल नहीं भाई, कभी आपने यूट्यूब पे ना पूरा यूट्यूब छान लेना, जिस बंदे ने यहाँ पे पैदल आके चलो कुछ आवाज़ आई, जिस बंदे ने यहाँ पे पैदल आके वीडियो बनाई हो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ईयर में कर रहे हैं चैलेंज हिस्ट्री में अपना, पूरे दिल्ली में किसी ने अगर कराओ तो बता देना भाई। और देखो डर पता है एक चीज़ का यार तरुण यहाँ पे, कि यहाँ पर कोई नहीं आता, यहाँ पे यहाँ कोई नहीं आता, दिन में भी बहुत कम लोग आते हैं इधर। भाई मुझे लगा पीछे कोई है, कोई नहीं है, चलो ठीक है। अब भाई देखो मेरी फट रही है थोड़ी थोड़ी, यहाँ आ गया अंधेरा। अरे तरुण डर तो सबको लगता है। देखो इधर की साइड अपना पूरा, तरुण लाइट जला ले भाई। भाई साहब अगर कुछ भी दिखे ना आप लोगों को प्लीज़ बता देना मैं कमेंट करके, बिल्कुल है ना भाई। यहाँ पे आके थोड़ी ठंड सी महसूस हुई, ठंड सी हो रही है क्योंकि चारों तरफ जंगल है ना, चारों तरफ गाइस जंगल ही जंगल है यहाँ पे। कुछ तो यहाँ पे थोड़ी अजीब सी नेगेटिविटी है तरुण भाई, बेकूफ चलगी सी है ना, लिटिल बिट। तो देखो हम लोग आ गए हैं उस रास्ते से यहाँ तक, ठीक है। और हम इसी रास्ते से ना पीछे मत देख, सीधा सीधा दिख रहा है भाई, तू मेरी मत फाड़। अरे फाड़ने की बात, पीछे नहीं देखना चाहिए कभी। चलो भाई पीछे भी नहीं देखते, भाई ने बोल दिया अपन। और अभी हम यहाँ से देखो भाई पूरा जंगल, ये देख पूरा है, देखो दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा आपको। भाई साहब किसी ने आज तक अपनी गाड़ी से बाहर नहीं उतरा होगा, और ये यार मैं अकेले आए यहाँ पे, पहली बात तो स्कूटी पे, दूसरी बात अकेले, और अभी भी यहीं खड़े हम, सो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। और बाकी अब हम यहाँ से निकल लेंगे वापस, और देख सकते हो पीछे देखो जंगल जंगल ना, पूरा जंगल है, सोमसान रोड, सोमसान रोड। और हिस्ट्री इसकी इतनी खतरनाक रही है ना कि मतलब दिल्ली का इसे इतना ज़्यादा हॉन्टेड एरिया बोला जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि कोई सफ़ेद साड़ी में पीछे भागती है। तो ऐसा तो अभी कुछ दिखा नहीं हमें, और ना ही दिखेगा मेरे हिसाब से तो। सो चलो अब हम आगे तक तो आए गए, पूरा ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ से हम वापस चलने वाले हैं, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। और ये देखो सन्नाटा देख रहे हो, कुत्तों की आवाज़ भौंकने की। और ये देखो रोड पूरी सुनसान रोड है। ओ भाई सुबह देखो कितना अंधेरा है, फ्लैश मैंने पूरी जला रखी है, उसके बाद भी ये देखो डबल डबल फ्लैश, फिर भी उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा, इतना अंधेरा। और ये घने जंगल, बिल्कुल घने जंगल। ये चीज लिटरली फाड़ने वाली है भाई। यहाँ पे इस एरिया में आते नेगेटिव एनवायरनमेंट आ जाती है हर बंदे के अंदर। कुछ नहीं होता, पैर के नीचे हुआ है छूटे। और तरुण गाइस भाई फट गई। देखो अब हम ना, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। कैमरे को नीचे की तरफ ले जाना, ज़ूम करिए। ठीक है ठीक है, हाँ। इनकी फाड़ेंगे। चलो ओ गाइस देखो हम इनके साथ करने वाले प्रैंक हैं। अब देखना ये प्रैंक कैसा जाता है इसके साथ। चलो हटाम करते सीधा रुक जाओ पास आ जाओ। सो गाइस देखो यहाँ पर इनके साथ हम करने वाले प्रैंक। ये देखो ये स्कूटी पे खड़े हैं, पीछे आ जाओ। देखो ये हमारे दोस्त स्कूटी पे खड़े हैं, पीछे आ जाओ। प्रदीप देख रहा है, देखो पीछे प्रदीप देख रहा है। प्रदीप देखो, इसको हम डरा रहे हैं। हम धीरे धीरे अब इनको हम डराने वाले हैं यहाँ पे। ओए पीछे कौन है वो? वो भाई साहब देखो इनको कितना स्कैरी कर दिया इसने। पेड़ के पास कौन है वो? भाई साहब देखो 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 गाइस देखो पेड़ के पास कौन है वो? अबे स्कूटी के पास। ओ भाई साहब देखो गाइस इनकी फट चुकी है लिटरली, फट गई। अब उधर पेड़ पे तू पीछे उतरा ना, कैमरा से मत कर। फट गए। अबे अब जल्दी आ जाओ। अबे साले जल्दी आ जाओ। अबे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अबे पेड़ के पास जल्दी देख, पीछे देख। फट चुके हैं। अबे देखना भाई देखो इनकी दोनों की। अबे भगा जल्दी। इनकी फट गई थी इनकी। भाई तरुण अपना जो काम था वो हो गया था। इनकी फट गई थी तभी इनकी फट गई। अब देखते हैं इनका रिएक्शन जाके। भाई सब मेरी जब तो ऐसे बोल रहा था ना, मेरी फट रही थी भाई। तो सुनी ना मेरी तो क्या अब बिहारी फेंकेगा। हाँ भाई बिहारी गाली मत दियो बस, बाकी सब कह लियो। बिहारी गाली मत दियो, वीडियो रिकॉर्डिंग है। एक मिनट रुक जाओ। कितना भी डरा लो, कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारा भाई से बड़ा कोई डेयरिंग नहीं हो सकता। ठीक है प्रदीप, जब ना करा था कुछ लगा। सो गाइस देखो ये था हमारे भाइयों के साथ छोटा सा प्रैंक। डर लग गया इनको थोड़ा सा, घबरा गए सबसे ज्यादा ये स्पेशली ये हमारे कैब वाले भैया। हाँ भाई क्या हो गया था? कुछ नहीं भाई, कैसा महसूस कर रहे थे आप? बिल्कुल बढ़िया देख भाई, बोला था अभी। नहीं पता है, देखो डर थोड़ा लगता है यार, फर्स्ट टाइम लगता है। और ऐसी जगह पे अगर कोई मजाक करे जो कि इतने मेंशन जगह हॉन्टेड। तो देखो गाइस यहाँ की थोड़ी सी बिल्कुल यहाँ की थोड़ी स्टोरी की बात कर लेते हैं। देखो मुझे लगा किसी ने आवाज लगाई। नहीं देखो यहाँ की स्टोरी की बात कर लेते हैं। देखो कोई चीज़ अगर हॉन्टेड लगी है तो थोड़ी नेगेटिविटी है, नो डाउट। रात का समय है, कोई नहीं है यहाँ पे, पुलिस वाले से लेकर कुत्ते तक कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है अब जो बात कर लेते हैं स्टोरी की, ये हॉन्टेड क्यों माना जाता है रोड कि यहाँ पर एक कहते हैं लेडी है जो कि वाइट कपड़ों में पीछे भागती है। सो ये चीज़ यहाँ की हॉन्टेड थी बस, और कुछ नहीं था। बाकी भाई पूरा एक्सप्लोर कर लिया, कोई दिक्कत हुई किसी को? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे थोड़ी सी आवाज़ लगी, पता नहीं इन लोगों को लगी नहीं लगी हो, मुझे थोड़ी सी वाइब लगी कुछ। और बाकी थोड़ा सा हम जब पैदल जा रहे थे तो थोड़ी सी अजीब सी वाइब्स आ रही थी कान में, जैसे कोई बोल रहा है बस, बाकी और कुछ नहीं था। और भाई बस यही बोलना था आप लोगों को। बाकी गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।